डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर और चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस अर्थात जैव प्रक्रियाएं। सो लेट्स बिगिन। समथिंग व्हिच इज लिविंग दैट मीन्स नॉट डेड इज सेड टू बी अलाइव। कुछ भी व्हिच इज लिविंग, जो लिविंग हो, नॉट डेड यानी कि जो मृत नहीं हो, इज सेड टू बी अलाइव, उसे जीवित कहा जाता है यानी सजीव कहा जाता है। इन मोस्ट सिंपल टर्म्स अलाइव मीन्स हैविंग लाइफ, अर्थात अलाइव का मतलब है, अलाइव का अर्थ है हैविंग लाइफ, मतलब जीवन होना। अलाइव इज कॉल्ड जीवित और जिंदा इन हिंदी। अलाइव को हिंदी में जीवित और जिंदा कहा जाता है। वी आर अलाइव एंड यू आर ऑल्सो अलाइव, हम सभी अलाइव हैं। एंड यू आर ऑल्सो अलाइव, और आप भी अलाइव हैं। दोज थिंग्स विच आर अलाइव आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स, वैसी चीज़ें विच आर अलाइव, जो अलाइव हों, जो जीवित हों, आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स, उन्हें लिविंग थिंग कहा जाता है, मतलब सजीव वस्तुएं कही जाती है। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर अलाइव और लिविंग थिंग्स, सभी प्लांट्स और एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, मनुष्य सहित सभी प्लांट्स और एनिमल्स अलाइव और लिविंग थिंग्स होते हैं। नाउ एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड व्हेदर समथिंग इज अलाइव। अब क्वेश्चन उठता है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि कौन से क्राइटेरिया का हम लोग यूज करते हैं टू डिसाइड व्हेदर समथिंग इज अलाइव, कि कोई चीज़ जीवित है, ये डिसाइड करने के लिए। तो दिस इज डिस्कस्ड बिलो। ओके, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरियन टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव इज द मूवमेंट। तो सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरियन, सबसे महत्वपूर्ण लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव, कि कुछ भी अलाइव है उसे डिसाइड करने का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर मूवमेंट है। दैट मीन्स जिसे हम लोग बोलते हैं गति, हलचल। मूवमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस ऑफ लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म। मूवमेंट किसी भी प्राणी में लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण संकेत होता है। ऑल द लिविंग थिंग्स विच आर अलाइव मूव बाय देमसेल्व्स विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। सभी लिविंग थिंग्स मूव करती हैं बाय देमसेल्व्स विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, बिना किसी बाहरी सहायता के। इन सम केसेस द मूवमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स आर क्वाइट फास्ट विच कैन बी इजिली ऑब्जर्व बाय अस, बट इन अदर केसेस द मूवमेंट्स आर वेरी स्लो एंड हैंस ऑब्जर्व विद डिफिकल्टी। कुछ केसेस में लिविंग थिंग्स का मूवमेंट आर क्वाइट फास्ट, बिल्कुल ही तेज होता है, बिल्कुल ही तीव्र होती है। विच कैन बी इजिली ऑब्जर्व बाय अस, जिसे हमारे द्वारा आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है, मतलब देखा जा सकता है। बट इन अदर केसेस, लेकिन दूसरे केसेस में, दूसरी स्थितियों में द मूवमेंट आर वेरी स्लो, मूवमेंट्स बहुत धीमी होती हैं, एंड हैंस ऑब्जर्व विद डिफिकल्टी, और इसलिए उसे कठिनाई के साथ, डिफिकल्टी के साथ ऑब्जर्व किया जा सकता है या ऑब्जर्व किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द मूवमेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर फास्ट एंड कैन बी ऑब्जर्व इजिली, बट द मूवमेंट्स इन प्लांट्स आर यूजुअली स्लो एंड ऑब्जर्व विद डिफिकल्टी। एग्जाम्पल के लिए मूवमेंट्स इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, यानी अधिकांश एनिमल्स में मूवमेंट तेज होते हैं, एंड कैन बी ऑब्जर्व इजिली, और उसे आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है, देखा जा सकता है। बट द मूवमेंट इन प्लांट्स आर यूजुअली स्लो, लेकिन प्लांट्स में मूवमेंट्स यानी गतियाँ प्राय स्लो होती है। एंड ऑब्जर्व विद डिफिकल्टी, और उसे कठिनाई के साथ, मुश्किल से ऑब्जर्व किया जाता है, दैट मीन्स देखा जाता है। एनिमल्स एंड प्लांट्स मूव इन डिफरेंट वेज, एनिमल्स और प्लांट्स अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। दिस विल बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशन। एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स। एनिमल्स
फ्रॉम वन प्लस टू अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान मूव कर सकते हैं, और दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स, या अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ फ्रॉग moves when it jumps into a pond. एक frog move करता है when it jumps into a pond, जब ponds में यह jump करता है. A bird moves when it flies in the sky. एक bird moves तब करता है when it flies in the sky, जब यह sky में fly करता है, मतलब उड़ता है. An athlete moves when he runs. और एक athlete, that means एक धावक, move तब करता है when he runs, जब वह दौड़ता है. एंड अ फिश मूव्स, और एक मछली मूव करती है व्हेन इट स्विम्स इन वाटर, जब यह वाटर में मूव करती है. वी मूव आवर हैंड्स व्हेन वी क्लैप, हम लोग अपने हैंड्स को मूव करते हैं व्हेन वी क्लैप, जब हम लोग क्लैप करते हैं, जब हम लोग ताली बजाते हैं. एंड आवर चेस्ट मूव्स अप एंड डाउन, और हमारा चेस्ट अप एंड डाउन मूव करता है व्हेन वी ब्रीद, जब हम लोग सांस लेते हैं. एंड डॉग कैन वैग इट्स टेल, और एक कुत्ता, एक डॉग अपने टेल्स को हिला सकता है. ऑल दिस मोमेंट्स शो दैट अ फ्रॉग बर्ड फिश डॉग एंड ह्यूमन बींग्स आर अलाइव. ये सभी मोमेंट्स दर्शाते हैं, शो करते हैं कि फ्रॉग बर्ड फिश डॉग और ह्यूमन बींग्स अलाइव हैं. The plants are fixed in the soil at a place. Plants soil में एक स्थान पर fix होते हैं. So they cannot move like animals from place to place. और इसलिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान animals की तरह move नहीं कर सकते हैं. The plants can only move parts of their body such as leaves, flowers, shoots and roots. Plants केवल अपने बॉडी के पार्ट्स को ही, जैसे कि लिप्स, फ्लावर्स, शूट्स और रूट्स को ही मूव करा सकते हैं. द प्लांट पार्ट्स मूव टुवर्ड्स स्टिमुलस सच एज सनलाइट, ग्रेविटी, वाटर ईटीसी. द प्लांट पार्ट्स मूव करते हैं टुवर्ड्स स्टिमुलस की ओर, जैसे सनलाइट, ग्रेविटी या वाटर की तरफ. फॉर एग्जाम्पल द सूट, द लीव्स एंड फ्लावर ऑफ अ सनफ्लावर प्लांट मूव बाय बेंडिंग टुवर्ड्स द सन सो एज टू फेस द सनलाइट. एग्जाम्पल के लिए एक सनफ्लावर प्लांट का, एक सूर्यमुखी के पौधे का सूट यानी तना, लीव्स यानी पत्तियां और फूल, ये सभी मूव करते हैं बाय बेंडिंग टुवर्ड्स द सन, सन की तरफ मुड़ करके, सो एज टू फेस द सनलाइट, जिससे वो सूर्य की तरफ फेस किए होते हैं. द लिप्स ऑफ अ मेमोसा पुडिका प्लांट, दैट मीन सेंसिटिव प्लांट, मूव बाय फोल्डिंग अप वन टस्ट विद अ फिंगर. मेमोसा प्लांट का लिप्स वो मूव करता है बाय फोल्डिंग अप, मुड़ करके, वन टस्ट विद अ फिंगर, जब उंगली से इसे टच किया जाता है. प्लांट्स आल्सो शो मूवमेंट बाय ग्रोइंग देयर रूट्स एंड शूट्स बिगर. प्लांट्स भी मूवमेंट को शो करते हैं बाय ग्रोइंग देयर रूट्स एंड शूट्स बीगर, अपने रूट्स को ग्रो करके एंड शूट्स बीगर, और शूट्स को ज़्यादा बढ़ा करके. नाउ द नॉन लिविंग थिंग्स विच आर नॉट अलाइव कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स. नॉन लिविंग थिंग्स जो अलाइव नहीं होते हैं कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व, वे स्वयं मूव नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ स्टोन इज अ नॉन लिविंग थिंग. एग्जाम्पल के लिए एक स्टोन नॉन लिविंग थिंग है विच कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो एक स्थान से दूसरे स्थान स्वयं मूव नहीं कर सकते हैं. और सो एनी अदर टाइप ऑफ मूवमेंट, या किसी भी प्रकार का मूवमेंट सो नहीं करते हैं. नाउ वी विल हैव टू मूव इट बाय अप्लाइंग फोर्स फ्रॉम आउटसाइड. हमें इसे क्या करना पड़ेगा, तो मूव करना पड़ेगा बाय अप्लाइंग फोर्स फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से फोर्स अप्लाई करके, तभी स्टोन को एक स्थान से दूसरे स्थान मूव किया जा सकता है. नाउ ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ टैनिन लिविंग यूनिट्स कॉल्ड सेल्स.
सभी लिविंग थिंग्स छोटे या सूक्ष्म लिविंग यूनिट्स जिसे सेल्स कहते हैं से बनी होती हैं। द सेल्स देमसेल्व्स आर मेड अप ऑफ स्टील स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। स्वयं सेल्स जिसे हम लोग कोशिका बोलते हैं, स्वयं सेल्स अति सूक्ष्म पार्टिकल जिसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं यानी जिसे हिंदी में अणु कहते हैं से बनी होती है। द मोमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल आर इनविजिबल टू द नेक्ड आई। मोमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल यानी बहुत ही सूक्ष्म या छोटे पैमाने पर मोमेंट्स हमारी आँखों में या नेक्ड आई में की नज़र में इनविजिबल होते हैं। नेक्ड आई यानी नग्न आँखों से इनविजिबल होते हैं, मतलब अदृश्य होते हैं। द इनविजिबल मॉलिकुलर मोमेंट इज हाइबर नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। इनविजिबल मॉलिकुलर मोमेंट हालांकि नेसेसरी होता है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। इन फैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिकुलर मोमेंट इन देम। वायरसेस कोई मॉलिकुलर मोमेंट शो नहीं करते हैं एंड दिस हैज क्रिएटेड कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। और इसी ने कंट्रोवर्सी क्रिएट किया है अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट, कि वे सचमुच में अलाइव हैं या नहीं। इस मामले में उन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट किया है, मतलब विवाद खड़ा किया है। इन एडिशन टू मूवमेंट द लिविंग थिंग्स ऑल्सो शो सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। मूवमेंट्स के अतिरिक्त, इन एडिशन टू मूवमेंट, मूवमेंट्स के अतिरिक्त द लिविंग थिंग्स ऑल्सो शो सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। लिविंग थिंग्स कुछ अन्य कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कुछ अन्य विशेषताएँ भी शो करते हैं। नाउ ऑल द लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम लिविंग थिंग्स। सभी लिविंग थिंग्स में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ विशेषताएँ होती है विच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, जो उन्हें नॉन लिविंग थिंग्स से अलग बनाती है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर एज फॉलोज। लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं? तो लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स, स्वयं मूव कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड एयर एंड वाटर। लिविंग थिंग्स को फूड एयर और वाटर की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकती है। लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। लिविंग थिंग्स अपने आस पास के चेंजेस के प्रति रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। दे आर सेंसिटिव, वे सेंसिटिव होते हैं, दैट मीन्स वे संवेदनशील होते हैं। लिविंग थिंग्स रिस्पायर। लिविंग थिंग्स रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, दैट मीन्स की ट्रीट ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट करते हैं अर्थात उत्सर्जन करते हैं यानी वेस्ट मटेरियल को अपने बॉडी से बाहर करते हैं। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन हैव यंग वंस। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं यानी प्रजनन कर सकते हैं अर्थात वे अपने समान नए बच्चे को जन्म दे सकते हैं। सुना, व्हाट अ लाइफ प्रोसेसेस। ऑल द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सम बेसिक फंक्शंस टू कीप देमसेल्व्स अलाइव। सभी ऑर्गेनिज्म कुछ बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं टू कीप देमसेल्व्स अलाइव, स्वयं को अलाइव रखने के लिए, स्वयं को जीवित रखने के लिए। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले बेसिक फंक्शंस टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ यानी इस अर्थ पर अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला बेसिक फंक्शंस लाइफ प्रोसेसेस कहलाती है। द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर न्यूट्रिशन एंड रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बेसिक लाइफ प्रोसेस कॉमन टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सभी सजीव प्राणियों के लिए कॉमन, सभी सजीव प्राणियों पाए जाने कॉमन बेसिक लाइफ प्रोसेसेस न्यूट्रिशन और रिस्पायरेशन है।
पोषण और शोषण है, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन, परिवहन और उत्सर्जन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और निर्देशन, ग्रोथ वृद्धि, मूवमेंट गति एंड प्रोडक्शन और प्रजनन। तो ये बेसिक लाइफ प्रोसेसेस है। सो नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एनर्जी इज नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेसेस। एनर्जी लाइफ प्रोसेस के लिए जरूरी होती है, या लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। सो नाउ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत होती है टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, विभिन्न लाइफ प्रोसेसेस को संपन्न करने के लिए। दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड। वे ये एनर्जी फूड से प्राप्त करते हैं। फूड इज अ काइंड ऑफ फ्यूल विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड फ्यूल का एक प्रकार है। फूड एक प्रकार का फ्यूल है, इज अ काइंड ऑफ फ्यूल विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड करती है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज द केमिकल एनर्जी फॉर कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। लिविंग ऑर्गेनिज्म विभिन्न लाइफ प्रोसेस को कैरी करने के लिए केमिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं। दे गेट दिस केमिकल एनर्जी फ्रॉम फूड। वे फूड से केमिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं थ्रू केमिकल रिएक्शंस। एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म कंडीशनली नीड एनर्जी फॉर देयर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस एंड अदर एक्टिविटीज विद द परफॉर्म। एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म को लगातार निरंतर अपने विभिन्न लाइफ प्रोसेसेस एंड अदर एक्टिविटीज और अनएक्टिविटीज के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाई एन ऑर्गेनिज्म इवन ड्यूरिंग अ स्लीप। एग्जाम्पल के लिए किसी प्राणी को सोने के दौरान भी, इवन ड्यूरिंग स्लीप, सोने के दौरान भी एनर्जी की जरूरत होती है। दिस इज बिकॉज व्हेन वी आर स्लीप, ऐसा इसलिए होता है व्हेन वी आर स्लीप, क्योंकि जब हम लोग सोते हैं तो नंबर बायोलॉजिकल प्रोसेस की पौना करेंगे इन द बॉडी विच रिक्वायर एनर्जी। बड़ी संख्या में कह सकते हैं या नंबर बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी एक बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की पोन अकरिंग इन द बॉडी, बॉडी के अंदर चलती रहती है, विच रिक्वायर एनर्जी, जिसे एनर्जी की जरूरत होती है। आवर हार्ट बिट्स नॉन स्टॉप। हमारा हृदय नॉन स्टॉप बिट्स करता है, मतलब धड़कता रहता है। इवन व्हेन वी आर असलीप टू पम्प ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। इवन वेन वी आर स्लीप, यहाँ तक कि जब हम लोग सोए रहते हैं तब भी, टू पम्प ब्लड, ब्लड को पम्प करने के लिए थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में ब्लड को पम्प करने के लिए हमारा हार्ट, हमारा हृदय बिना रुके धड़कता है। एंड दिस बीटिंग ऑफ हार्ट रिक्वायर्स एनर्जी। और हार्ट के इस बीटिंग को, हार्ट के इस धड़कने के प्रक्रिया को एनर्जी की जरूरत होती है। दस द वर्किंग ऑफ हार्ट रिक्वायर्स अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी। इस प्रकार हार्ट का वर्किंग, हमारे हृदय का वर्किंग को एक कंटिन्यूस लगातार एनर्जी के सप्लाई की जरूरत होती है। नाउ द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम द फूड दैट द ऑर्गेनिज्म ईट्स। किसी प्राणी के द्वारा आवश्यक एनर्जी फूड से आती है, दैट द ऑर्गेनिज्म ईट्स। दिस फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। इस प्रकार
फूड सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, फॉर ऑप्टेनिंग एनर्जी, एनर्जी ऑप्टेन करने के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। सो नाउ वी स्टार्ट विद टर्म न्यूट्रिशन। फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। द सिंपलेस्ट फूड इज ग्लूकोज। सबसे साधारण फूड ग्लूकोज है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल शुगर। इसे सिंपल शुगर भी कहा जाता है। अ मोर कॉम्प्लेक्स फूड इज स्टार्च। और एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फूड यानी एक ज़्यादा जटिल फूड स्टार्च है। स्टार्च इज मेड फ्रॉम ग्लूकोज। स्टार्च ग्लूकोज से बनती है। द जनरल नेम ऑफ सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज एंड स्टार्च इस कार्बोहाइड्रेट। यानी ग्लूकोज और स्टार्च जैसे सब्सटेंस का जनरल नेम यानी साधारण नाम कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट कॉमन फूड्स फॉर गेटिंग एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्राप्त करने के लिए सबसे कॉमन फूड है। फैट्स एंड प्रोटीन्स आर ऑल्सो फूड्स। फैट्स और प्रोटीन्स भी फूड हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। भोजन लेने की प्रक्रिया एंड यूटिलाइजिंग इट और इसे यूज करने की प्रक्रिया न्यूट्रिशन कहलाती है। इट इज अ प्रोसेस इन विच फूड इज ऑब्टेन इन ऑर्डर टू यूटिलाइज इट टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अर्थात न्यूट्रिशन वह प्रोसेस है इन विच फूड इज ऑब्टेन इन ऑर्डर टू यूटिलाइज इट, जिसमें फूड ऑब्टेन किया जाता है, भोजन प्राप्त किया जाता है, इन ऑर्डर टू यूटिलाइज इट इसे यूज करने के क्रम में, टू प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इसे यूज करने के क्रम में, फॉर परफॉर्मिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फॉर परफॉर्मिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म यानी ऑर्गेनिज्म के यानी प्राणी के विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब जैव प्रक्रियाएं, हमारे बॉडी के अंदर चलने वाली जैव प्रक्रियाएं, वैसे ही एक्टिविटीज़ को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। तो ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, एक्चुअली द टर्म न्यूट्रिशन कम्स फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिएंट। अ न्यूट्रिएंट इज एन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। एक न्यूट्रिएंट एक ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, लाइफ के मेंटेनेंस करने और एंड सर्वाइवल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, उसके जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए। इन मोस्ट सिंपल टर्म्स अ न्यूट्रिएंट कैन बी सेड टू बी अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ फूड। एक न्यूट्रिएंट को एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ फूड कहा जा सकता है, एक खास प्रकार के भोजन कहा जा सकता है। अ न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस। एक न्यूट्रिएंट को एक सब्सटेंस के रूप में डिफाइन कर सकता है, विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स, जिसे कोई प्राणी अपने सराउंडिंग से, अपने परिवेश से प्राप्त करता है। एंड यूजेस इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और एनर्जी के सोर्स रूप में इसका यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर द न्यूट्रिएंट्स विच आर यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म मेनली एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। वेयर इज प्रोटीन्स एंड मिनरल सॉल्ट्स आर न्यूट्रिएंट्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स लाइक स्किन, ब्लड इटीसी। एग्जाम्पल के लिए कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स वैसे न्यूट्रिएंट हैं जिसका इस्तेमाल किसी प्राणी के द्वारा मुख्यतः एनर्जी के सोर्स के रूप में किया जाता है। वेयर इज जबकि प्रोटीन्स और मिनरल सॉल्ट्स वैसे न्यूट्रंट्स होते हैं जो किसी प्राणी के द्वारा यूज किए जाते हैं फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी, अपने बॉडी के बायोसिंथेसिस के लिए यानी जैव निर्माण के लिए, लाइक
स्किन ब्लड इटीसी, अर्थात स्किन और ब्लड जैसे चीज़ों का निर्माण करने के लिए या उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रोटीन और मिनरल सॉल्ट्स की ज़रूरत होती है। द फूड टेकन इन बायोनॉर्मिस कंटेंस लार्ज नंबर न्यूट्रेंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाट इट सी। प्राणी के द्वारा लिए जाने वाला किसी प्राणी के द्वारा लिया जाने वाले भोजन में अनेक न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन और वाटर होते हैं। वी कैन नाउ से दैट न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स लेने की प्रक्रिया है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर बाय एन ऑर्गेनिज्म, एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिज न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। सो नाउ वी स्टार्ट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दैट मीन्स इन हिंदी पोषण का माध्यम। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स मेथड ऑफ प्रोक्योरिंग फूड और ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन का मोड्स का मतलब है भोजन लेने की विधि और ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म या भोजन प्राप्त करने की विधि। ऑल द ऑर्गेनिज्म डू नॉट ऑब्टेन देयर फूड इन द सेम वे। सभी ऑर्गेनिज्म एक ही तरीके से भोजन ऑब्टेन नहीं करते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोक्योरिंग फूड और ऑब्टेनिंग फूड। अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग भोजन लेने की या भोजन प्राप्त करने की विधियाँ होती हैं, उसके तरीके होते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ऑर्गेनिज्म डिफर इन देयर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म अपने अपने पोषण के तरीके में अलग अलग होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, भोजन प्राप्त करने के तरीके पर निर्भर करते हुए ऑल द ऑर्गेनिज्म कैन क्लासिफाई इन टू टू ग्रुप्स। सभी ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में बांटा जा सकता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हिटरोट्रॉफिक, स्वपोषी और परपोषी। दस देयर आर मेनली टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। और इस प्रकार न्यूट्रिशन के मुख्यतः दो प्रकार हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हिटरोट्रॉफिक। नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ, यानी ऑटो का अर्थ है सेल्फ यानी स्वयं, एंड ट्रॉफी मीन्स न्यूट्रिशन, और ट्रॉफी का मतलब है पोषण यानी स्वपोषण। दस ऑटोट्रॉफिक मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन। इस प्रकार ऑटोट्रॉफिक का अर्थ है स्वपोषण। इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ऑन फूड फ्रॉम द ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स बाय यूजिंग द सनलाइट एनर्जी। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में यानी स्वपोषित पोषण में ऑर्गेनिज्म अपना भोजन ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स में परिवेश में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जैसे इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स यानी कि कार्बनिक रॉ मटेरियल्स से एंड बाय यूजिंग द सनलाइट एनर्जी और सनलाइट एनर्जी का यूज़ करके अपना भोजन बनाते हैं। वी कैन नाउ से दैट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन का वह मोड है, वह माध्यम है इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ऑन फूड फ्रॉम द सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म एक प्राणी अपने भोजन सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी की मदद से, उसकी सहायता से। ओके नाउ
ग्रीन प्लांट्स हैव एन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। द ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑल्सो ऑब्टेन देयर फूड बाय द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं बाय द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो नाउ वी कैन डिफाइन ऑटोट्रॉफ्स, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से स्वयं बना सकते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, यानी स्वपोषी कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये दोनों ही इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। सो वी कैन ऑल्सो से दैट, और इसलिए हम लोग कह सकते हैं, यह भी कह सकते हैं कि दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम इन द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस परचेज इन द एनवायरमेंट, वैसे ऑर्गेनिज्म जो इन्वायरमेंट में मौजूद इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना भोजन बना सकते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, सभी ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं। सो वी कैन ऑल्सो से दैट नॉन ग्रीन प्लांट्स आर नॉट ऑटोट्रॉप्स। द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कंटेन द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच इज़ कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग सनलाइट एनर्जी। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल नाम के ग्रीन पिगमेंट होते हैं विच इज़ कैपेबल ट्रैपिंग सनलाइट एनर्जी, जो सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करने में यानी उसे कैप्चर करने में समर्थ होते हैं, स्टोर करने में, सनलाइट एनर्जी को स्टोर करना, ट्रैप करना मतलब स्टोर करने में कैपेबल होते हैं यानी समर्थ होते हैं। सो नाउ वी स्टार्ट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द वर्ड हिट्रोस मीन्स अदर्स, वर्ड हिट्रोस का अर्थ है अदर्स यानी अन्य, एंड ट्रॉफी रेफर्स टू न्यूट्रिशन, और ट्रॉफी से तात्पर्य न्यूट्रिशन है। द सिटोट्रॉफिक मीन्स है न्यूट्रिशन ऑब्टेंड फ्रॉम अदर्स। इस प्रकार हिटोट्रॉफिक का अर्थ है न्यूट्रिशन ऑब्टेंड फ्रॉम अदर्स यानी दूसरों से पोषण। इन हिटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मेटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड यूज द फूड मेड बाई ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना भोजन इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से नहीं बना सकते हैं एंड यूजेज द फूड मेड बाय ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यानी सीधे या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाए गए भोजन का यूज़ करते हैं या कर सकते हैं। वी कैन नाउ से दैट हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन का वह मोड है इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन नहीं बना सकते हैं फ्रॉम सिंपल और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या जिससे? तो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं एंड डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड, और अपने भोजन के लिए दूसरे प्राणियों पर डिपेंड करते हैं, निर्भर रहते हैं या निर्भर करते हैं। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इज अ कंज्यूमर, हिटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म एक कंज्यूमर होता है, उपभोक्ता होता है, विच ड्राइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, जो अन्य ऑर्गेनिज्म पे न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। दैट इज अर्थात अ हिटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हैज़ टू ईट अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स न्यूट्रिशन। एक हिटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने पोषण के लिए, अपने पालन पोषण के लिए अन्य
ऑर्गेनिज्म को खाना पड़ता है। ऑल द एनिमल्स हैव हेटरोट्रॉफिक मॉडल न्यूट्रिशन, सभी एनिमल्स में हेटरोट्रॉफिक मॉडल न्यूट्रिशन होते हैं या पाए जाते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया एंड फंगी ऑल्सो हैव हेटरोट्रॉफिक मॉडल न्यूट्रिशन, अधिकांश बैक्टीरिया और फंगी में भी हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। सो वी कैन से दैट दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से नहीं बना सकते हैं एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, और अपने भोजन के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, यानी अन्य प्राणियों पर, अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को हेटरोट्रॉप्स कहा जाता है, यानी परपोषी कहा जाता है। ऑल द एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप्स, सभी एनिमल्स हेटरोट्रॉप्स होते हैं। Because they cannot make their make food from inorganic substance like carbon dioxide and water, and obtain their food from other plants or animals. Thus, man, dog, cat, deer, tiger, bear, lion, cow, etc. are all heterotrophs. ये सभी heterotrophs हैं. The non-green plants like yeast are also heterotrophs. Non-green plants जो green नहीं होते हैं, जैसे कि yeast, ये भी heterotrophs होते हैं. Now, types of heterotrophic nutrition, यानी परपोषी पोषण के प्रकार। Heterotrophic organism can obtain its food from other organism in three ways. एक heterotrophic organism, यानी एक heterotroph, एक परपोषी प्राणी अपने भोजन अन्य प्राणियों से तीन तरीके से, तीन तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, obtain कर सकते हैं। सो द हीटरोट्रॉफिक मॉडर्न न्यूट्रिशन इज ऑफ थ्री टाइप्स, इस प्रकार या इसलिए न्यूट्रिशन के हीटरोट्रॉफिक मोड तीन प्रकार के होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजॉइक न्यूट्रिशन। तो फिलहाल आज तक के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में